टाइम अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओजावा मॉडल, और बेसिकली इसको हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट किया था एक जापानीज इकोनॉमिस्ट ने, हिरोफुमी ओजावा उसका नाम था। अच्छा, सबसे पहले इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इस मॉडल के अंदर हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, और दो सेक्टर्स में से हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन्वेस्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक हमारे पास सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और जबकि दूसरा जो सेक्टर है वो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। अब जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है ये हमारे पास फिजिकल और ह्यूमन दोनों किस्म के कैपिटल को प्रोड्यूस करता है, और कंज्यूमर गुड्स जो है वो कंज्यूमर्स के यूज़ की चीज़ें होती हैं, और जो कुछ प्रोड्यूस होता है वो फिनिश हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है ये सोलो मॉडल की ही एक्सटेंशन है, और सबसे पहले हम इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। इसकी बेसिक अजम्पशंस ये हैं कि 2x2 मॉडल है। 2x2 मॉडल का मतलब है कि टू सेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि टू सेक्टर्स हैं, एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर है और एक कंजम्पशन गुड प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो इनपुट्स हैं वो भी टू है। टू इनपुट्स का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसमें दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो ये 2x2 मॉडल है। फिर ये क्या कहता है कि जो कैपिटल होता है इकोनॉमी में वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो कंज्यूमर गुड सेक्टर में यूज हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट गुड सेक्टर है वो बेसिकली कैपिटल ही प्रोड्यूस करेगा, वो ह्यूमन कैपिटल भी होगा और फिजिकल कैपिटल भी होगा, और लेबर इसमें होमोजीनियस होता है, और ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है वो एन है, और लेबर जो है वो एक्सोजेनस है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे जो दो सेक्टर्स हैं इनमें लेबर और कैपिटल आपस में शिफ्ट भी हो सकते हैं, दोनों जो है वो मोबाइल फैक्टर्स हैं। और लास्ट हमारी अजम्पशन ये है कि जो कैपिटल है यहाँ पे वो डेप्रिशिएट भी होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये उसका रेट है डेप्रिसिएशन रेट, दैट इज डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारे चंद अजम्पशंस हैं। इसकी इनकी बेस पे हम आगे इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल पे हम जाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल में सबसे पहली चीज वही है कि ये एक 2x2 मॉडल है, और उसको हम डिस्कस कर चुके हैं 2x2 को मतलब क्या है, टू इनपुट्स एंड टू ही सेक्टर्स। ठीक है, 2x2 मॉडल है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो कैसा होगा। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली y इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप का हमने कहा दो सेक्टर्स हैं, तो अगर हमारे पास एक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तो उसको हम लिखेंगे KI एंड LI। ठीक है, और जब कंजम्पशन ग्रुप की तरफ जाएंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे इसी प्रोडक्शन फंक्शन को, फंक्शन ऑफ KCLC। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन आ गया। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन को देखें तो जो हमारे पास टोटल लेबर सप्लाइड होगा इकोनॉमी में वो किसके इक्वल होगा, टोटल लेबर इज इक्वल टू इन दोनों सेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो सम होगा, यानी इन्वेस्टमेंट सेक्टर प्लस कंजम्पशन प्रोड्यूसिंग सेक्टर। फिर इसी तरह जो टोटल कैपिटल होगा उसकी क्या फॉर्म होगी, टोटल कैपिटल जो होगा वो भी हमारे पास ऐसे ही होगा, के इज इक्वल टू के ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर प्लस के ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, इसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट वाले के लिए आई लिख लिया है और कंज्यूमर गुड्स वाले के लिए सी लिख लिया, और हम आगे इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए। तीसरे हम देखते हैं कि लेबर का जो ग्रोथ रेट है वो अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ जो लेबर है दैट इज इक्वल टू एल नॉट ओवर एल, और वो क्या है हमारे पास एन है, ये हमें गिवन होगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव कंडीशन है, और यहाँ पे जो रिवार्ड्स होंगे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से उनकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट पे मिलेंगे। ठीक है, यानी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव कंडीशन है तो जो रिवॉर्ड्स होंगे फैक्टर प्रोडक्शन के, यानी जो वेज ऑफ लेबर होगी या रेंट ऑफ कैपिटल होगा, वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम लिखते हैं तो वो किसके इक्वल होगी, यानी जो हमारे पास किसी भी चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी है तो उसके हमारे पास प्राइस और फिर उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर हम लेबर के सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और कौन सा हम सब पहले ले रहे हैं सेक्टर, पहले हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर ले रहे हैं आई, तो पी आई
मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, और आई और प्राइस ऑफ लेबर और इनटू मार्जिन प्रोडक्ट जो होती है वो बेसिकली वेज होती है। तो जो हम इसी तरह से एक सेक्टर के लिए भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर हम इसको मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉर कंजम्पशन प्रोड्यूसिंग सेक्टर लिखेंगे तो फिर हम इसको भी पी सी एम पी एल यहाँ पे सी लिख देंगे, और होती तो ये भी वेज के ऊपर, ठीक है, इसको हम वेज कहेंगे। ये हमारे पास मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर्स आ गई। अगर हम वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं, पहले हम एक सेक्टर का देखते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी इसी तरह होगा कि जो प्राइस ऑफ कैपिटल है इनटू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि आई सेक्टर है तो हम आई लिख लेंगे, और ये क्या चीज़ होती है, रेंट, इसको हम कहते हैं आर, ठीक है। इसी तरह एक सेक्टर की लिखी तो हम दूसरे सेक्टर के भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कंज्यूमर प्रोड्यूसिंग जो गुड्स होंगी उस सेक्टर का क्या बन जाएगा, वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, और दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास उनके रिवार्ड्स आ गए हैं, यानी जो लेबर का रिवॉर्ड है वो उसकी वेज है, और जो कैपिटल का रिवॉर्ड है वो उसका हमारे पास रेंट आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, अब यहाँ से हम निकालते हैं वेज, अब ये हमने जनरल एक फॉर्मूला लिख लिया, अब हम यहाँ से निकालने लगे हैं वेज पर वर्कर, ठीक है। अब वेज पर वर्कर क्या चीज़ होती है, हमारे पास जितनी भी आउटपुट होगा, जितना भी आउटपुट होगा उसकी जो मार्केट प्राइस होगी उसमें से जब हम प्रॉफिट को निकाल देंगे तो बाकी चीज़ जो बचेगी वो हमारे पास वेज बच जाएगी, ठीक है। तो वेज पर वर्कर हम क्या लिख सकते हैं कि आउटपुट पर वर्कर, जो वर्कर ने आउटपुट प्रोड्यूस किया, आउटपुट पर वर्कर माइनस प्रॉफिट पर वर्कर, ठीक है। तो ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारे पास वेज आ जाएगा, ठीक है। वेज पर वर्कर को हम कैसे लिखेंगे, आउटपुट पर वर्कर। अब आउटपुट क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारे पास आउटपुट वाई प्रोड्यूस होता है एक सेक्टर का, अगर हम एक सेक्टर की बात करें, यानी वेज हम जो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट माइनस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल पे जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, और हमने कहा था जो कैपिटल का रिवॉर्ड है वो आर, ठीक है। तो वेज जो है वो लेबर को जाएगी, और जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास दूसरी तरफ जाएगा कैपिटल साइड पे। तो ये हमारे पास आ गई एक सेक्टर की वेज, ठीक है। इसी तरह हम इसके लिए सेकंड सेक्टर के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम कंजम्पशन सेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू पी सी वाई सी माइनस के सी आर सी। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, ये हमारे पास आ गई है वेज पर वर्कर हमारे पास आ गई, ठीक है। अब वेज पर वर्कर को अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें, क्योंकि हमने आगे ये जो आर की वैल्यू है रेंट को अगर हम चेंज करना चाहें, तो इसके लिए हमने इक्वेशन लिखी थी कि जो हमारे पास अभी हमने पीछे लिखा था कि आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी इसकी जो प्राइस होगी, प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है, और उसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को हम एफ प्राइम ऑफ के बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस आर की जगह अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, पी आई वाई आई माइनस के आई इंटू, अब ये आई की बात हो रही है, आई सेक्टर है, तो पी आई एफ प्राइम ऑफ के आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गई है वेज पर वर्कर। दोनों सेक्टर के लिए हम इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से। और इसके बाद हम आगे जाते हैं, वेज निकालने के बाद हम निकालते हैं वेज रेंट रेशियो, ठीक है। अभी हम निकालने लगे वेज रेंट रेशियो, यानी जो हमने वेज निकाली है उसको हमने डिवाइड कर देना है रेंट के साथ। अगर हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल इसको आई से लिख देंगे, वेज हमने ये निकाल ली है, पी आई वाई आई डिवाइडेड बाई आर, आई की बात हो रही तो आर आई लिखी है हमेशा, के आई पी आई एफ प्राइम ऑफ के आई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखें आर की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं वहीं से यहाँ पे, इन दोनों जगह अगर हम आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी आई वाई आई डिवाइड बाई आर, हमने क्या निकाला है, पी आई एफ प्राइम ऑफ के आई माइनस के आई पी आई एफ प्राइम ऑफ के आई डिवाइडेड बाई पी आई एफ प्राइम ऑफ के आई। ये पूरी टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे देखें पी आई और पी आई कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, वाई आई डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ के आई माइनस के आई, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बाकी बच गई है। अब अगर हम इसको लिखें कि जो वेज रेंट रेशियो है
सेक्टर की, ये हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर की हमारे पास वेज रेंट रेशियो आ गई। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम इसको देखना चाहें, अब वेज रेंट रेशियो जो है किसी भी सेक्टर में, इन एनी सेक्टर, जो एलोकेशन ऑफ लेबर या कैपिटल होगी, एलोकेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विल बी द फंक्शन ऑफ वेज रेंट रेशियो। ठीक है, ये वेज रेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगी कि किसी भी सेक्टर के अंदर हम जो है कितना लेबर एलोकेट कर रहे हैं और कितना कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेबिलिटी कंडीशन या फर्स्ट स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब इसमें ये कहते हैं कि जब बैलेंस ग्रोथ पाथ होता है तो यहाँ पे जितनी भी वेजेस होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, कंज्यूम्ड। ठीक है, और जितना भी प्रॉफिट होगा या इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा, वो सारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेबिलिटी कंडीशन बनती है। क्या कहती है फर्स्ट स्टेबिलिटी कंडीशन, के एट द बैलेंस ग्रोथ पाथ ऑल वेजेस आर कंज्यूम्ड एंड ऑल प्रॉफिट आर इन्वेस्टेड। और यहाँ पे इस मॉडल में क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि जितनी भी वेज होती है वो सारी की सारी वेज जो है वो कंज्यूम नहीं होती, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पोर्शन उसका जो है वो सेव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं इस मॉडल में डायनामिक्स ऑफ के की तरफ। अब हमें देखना है के की बिहेवियर को। तो यहाँ पे के जो है वो कैपिटल को शो कर रहा है, और कैपिटल जो है वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है बल्कि फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डायनामिक्स ऑफ के, और हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक। रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक से हम जाके डायनामिक्स ऑफ के निकालेंगे। अब हमारे पास देखें, टोटल जो लेबर था हमारे पास, वो हमारे पास क्या था, L इज इक्वल टू एक सेक्टर का प्लस दूसरे सेक्टर का लेबर, ऐड कर लिया टोटल लेबर। इसी तरह टोटल कैपिटल जो था हमारे पास, टोटल कैपिटल हमारे पास था K इज इक्वल टू के सी प्लस के है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, यहाँ से हम निकालने लगे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन मतलब कि जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा टोटल कॉस्ट के। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट का मतलब होता है ये है जो है वो जीरो प्रॉफिट कंडीशन है, ये हमारी जीरो प्रॉफिट कंडीशन है, दिस इज द जीरो प्रॉफिट कंडीशन। ठीक है, अब ये जीरो प्रॉफिट कंडीशन क्या कहती है, फिर टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा। दोनों सेक्टर्स का हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। देखिए, अगर टोटल रेवेन्यू हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर का, तो उसमें हमारे पास जो रेवेन्यू था वो क्या था, पी आई वाई आई। ठीक है, और इसमें कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई थी, बल्कि हम इसको उससे लिख लेते हैं इसके नीचे। इसमें हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट सेक्टर था तो पी आई वाई आई था, और इसमें कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई थी, जो रेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब दूसरा सेक्टर था हमारे पास कंजम्पशन का, कंज्यूमर गुड्स का, तो उसके जो आउटपुट था वो तो यही था, और जब हमने उसके कॉस्ट निकाली थी तो वो वेजेस ऑफ लेबर था। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखें, कैपिटल सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर है। ठीक है, कैपिटल जो है वो सिर्फ कहाँ पे मौजूद है, वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में मौजूद है, और ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जो कैपिटल मौजूद है ये चेंज होता है, और ये चेंज किस वजह से होगा, दो रीजंस की वजह से होगा। एक तो ये कि ये इटसेल्फ के को चेंज करने के लिए, के को इंक्रीज करने के लिए चेंज होगा, और दूसरी बात ये है कि के जो होता है वो डेप्रिशिएट भी होता है। ठीक है, यानी के जो है अपने आउटपुट को भी बढ़ाएगा और डेप्रिशिएट भी होगा। तो फिर हम इसके लिए जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं के नॉट जो है वो कैसे चेंज होगा, कि जो हमारे पास इसका आउटपुट है, आउटपुट क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात हो रही है, कैपिटल यहीं पे है, आउटपुट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ की। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, ये हमारे पास आउटपुट ऑफ कैपिटल है और ये डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हमें चूंकि ग्रोथ रेट के लिए या हम डायनामिक्स जब देखना चाहते हैं तो ग्रोथ रेट के लिए हमें फॉर्म चाहिए होती है के नॉट ओवर के। ठीक है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को के से डिवाइड कर देते हैं, के नॉट डिवाइड बाई के, वाई आई डिवाइडेड बाई के माइनस सिग्मा के डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये तो अभी हम ऐसे लिखते हैं, के नॉट ओवर के इज इक्वल टू वाई आई ओवर के माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, सिग्मा रह गया। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस जैसे वाई आई की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे हम वाई आई की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
और के की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा था कि आर हमारे पास क्या था, पी आई के आई, या हम इसको लिखते हैं ऐसे, वाई आई इज इक्वल टू आर, हमारे पास था आर आई डिवाइडेड बाई पी आई, क्योंकि ये यहाँ पे था जब इनिशियली हमने कहा था कि आर जो है पी आई वाई आई के इक्वल है। तो यहाँ से हम वाई आई की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगी, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको। तो ये रेंट जो है इसके साथ हमारे पास प्राइस के साथ, सॉरी इसका रेंट ऑफ कैपिटल भी होगा। तो यहाँ पे हम अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, के नॉट ओवर के इज इक्वल टू, जब हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास आ गया है, यहाँ पे सब किया गया था आर के आई डिवाइडेड बाई पी आई ये है, और के ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद भी है माइनस दिस। अब यहाँ पे आप देखें के और के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा के नॉट ओवर के इज इक्वल टू आर ओवर पी आई माइनस सिग्मा, ठीक है, आर और पी आई माइनस सिग्मा बच गया। और थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अभी आर को हमने लिया था, आर इज इक्वल टू पी आई एफ प्राइम ऑफ के आई, इसके इक्वल लिया था। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं के नॉट ओवर के इज इक्वल टू पी आई एफ प्राइम ऑफ के आई डिवाइडेड बाई पी आई माइनस डेप्रिसिएशन, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। के नॉट ओवर के इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ के आई माइनस, ये हमारे पास आ गया डेल्टा। ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम इंटेंसिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो इंटेंसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने कैसे लिखना है इसको, स्मॉल के ओवर के इज इक्वल टू कैपिटल के डॉट ओवर के माइनस एल डॉट ओवर एल, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे देखें के डॉट ओवर के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और एल डॉट एल की कीमत हमें गिवन होती है। तो के डॉट स्मॉल के डॉट ओवर स्मॉल के इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड किया, ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम ऑफ के आई माइनस डेल्टा, और माइनस एल डॉट ओवर एल जो है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है, दैट इज गिवन एज एन। तो इसको हम लिख लेते हैं के डॉट ओवर के इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ के आई माइनस, कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचता है, डेल्टा प्लस एन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है ग्रोथ रेट की इक्वेशन। अब जब बैलेंस ग्रोथ पाथ की हम बात करते हैं, तो बैलेंस ग्रोथ पाथ के ऊपर, बैलेंस ग्रोथ पाथ पे हमारे पास जो के नॉट होता है दैट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि तो ये टर्म जीरो हो जाती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई प्राइम ऑफ के माइनस डेल्टा प्लस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इज इक्वल्स टू, अब ये देखें ये हमारे पास क्या चीज़ थी, ये हमारे पास थी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल दैट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन प्लस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और स्टेबिलिटी कंडीशन आ गई है, सेकंड स्टेबिलिटी कंडीशन आ गई, कि सेकंड स्टेबिलिटी कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन प्लस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ये हमारी इसकी सेकंड कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेबिलिटी कंडीशन की तरफ। अब थर्ड स्टेबिलिटी कंडीशन में क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा था कि किसी भी सेक्टर के अंदर एलोकेशन ऑफ लेबर या कैपिटल जो है वो वेज रेट, वो जो होती है वेज रेंट रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम स्टार्ट से देखें तो हमारे पास जो कैपिटल था वो ज़्यादा हमारे पास कंजम्पशन वाला जो कंज्यूमर्स जो गुड्स सेक्टर था उसमें था, यानी के बाई एल रेशियो जो है कैपिटल बाई लेबर रेशियो कंजम्पशन सेक्टर की ग्रेटर थी एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट वाली। अब देखें हमने अभी कहा था स्टार्ट में कि जो कैपिटल है और जो लेबर है दोनों जो है वो मोबाइल फैक्टर्स हैं और वो अकॉर्डिंगली ट्रांसफर हो सकते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो अब यहाँ पे ज़्यादा है, एक्सेस है, और यहाँ पे कम है कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो मूव कर सकता है, कैपिटल मूव करेगा, के मूव फ्रॉम सी सेक्टर टू आई सेक्टर, ठीक है। जब ये उधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा कि रिवॉर्ड्स जो हैं वो इक्वलाइज हो जाएगा दोनों की, यानी लेबर का भी और जो कैपिटल है उसका रिवॉर्ड भी इक्वलाइज हो जाएगा। अगर जब ये कंडीशन होती है तो उस टाइम देखें जो वेज रेंट रेशो होती है वो उसका रिवर्स रिलेशन होता है, यहाँ पे वेज रेंट रेशो कम होगी एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट सेक्टर। अब देखें जैसे ही जो कैपिटल है वो मूव करेगा
फ्रॉम कंजम्पशन टू इन्वेस्टमेंट सेक्टर, तो लेबर जो है वो भी मूव करेगा, क्योंकि जो हायर ग्रोथ होती है, हायर ग्रोथ के लिए हमें कैपिटल और लेबर दोनों की जरूरत होती है। जब हम कैपिटल को एक सेक्टर में मूव करेंगे तो उसको हायर ग्रोथ को कैचअप करने के लिए लेबर भी ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव हो जाएगा, और तो फिर ये जो रिवॉर्ड्स है ये भी इक्वलाइज हो जाएंगे। तो ये हमारी जो है वो थर्ड स्टेबिलिटी कंडीशन बनती है, और ये हमारा उजावा मॉडल था जो कि बेसिकली सोलो मॉडल की एक्सटेंशन थी। थैंक यू।